हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन एंड व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैजिक टॉवल का रिव्यू। आप लोगों ने मैजिक टॉवल का रिव्यू तो बहुत जगह देखा होगा, तो आज मैं उसी का रिव्यू लेके आई हूँ। तो इसके फीचर जो हैं, ये क्लीनिंग के लिए आपके काम आता है और साथ ही मेकअप रिमूव कर सकता है, डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए, या हमारी शेल्फ पे ऑयल या फिर कोई भी लिक्विड गिर जाता है तो उसको भी क्लीन करने में बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको मंगाया है अमेज़ॉन से। तो सबसे पहले हम इसको अनपैक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस रैपर में ये आया है और इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर इन्होंने टेप लगा रखा है, तो बहुत इजीली ये निकल जाएगा। और इसका प्राइस भी जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका रिव्यू, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज भी हैं। आप सोच रहे होंगे डिसएडवांटेज तो इसके कुछ नहीं होने चाहिए, बट हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अनपैक कर लिया है। तो ये तीन टॉवल इसके अंदर हमें मिले हैं, तीनों का कलर एक जैसा ही है। कई बार आप परचेस करते हैं तो ये मल्टी कलर में भी आते हैं, बट मैंने परचेस किया है तो ये थ्री कलर जो हैं सेम ही है। पिंक कलर में आया है ये, बेबी पिंक कलर में। और जो इसका पैटर्न है काफ़ी सॉफ्ट है और हल्का सा ये मॉइस्ट था। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि ये मॉइस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो किचन टॉवल है या मैजिक टॉवल है, ये मॉइस्ट होने का रीज़न बताऊंगी। आगे वीडियो देखते रहिएगा। ये स्ट्रेचेबल भी है देखिए। और अब हम करते हैं इसका यूज़। तो दो जो हैं साइड रख देते हैं और एक से यूज़ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो देखते हैं ये पानी को कितना सोक करता है, कितना नहीं करता है। तो इस तरीके से इसको मैंने पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसने पानी को, आधे से ज़्यादा पानी इसने एब्जॉर्व कर लिया है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ स्क्वीज करके कि कितना सारा पानी इसने एब्जॉर्व कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा है। अब इसको स्क्वीज करती हूँ, ये देखिए कितना सारा पानी इसके अंदर से निकला है। और जैसे ही आप इसको एक से दो बार स्क्वीज करेंगे, ये जो टॉवल है बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल भी ये गीला नहीं लगेगा। तो ये देखिए, मैंने एक से दो बार स्क्वीज किया तो बिल्कुल ये सूख गया है। अब हम आगे दिखाते हैं आपको और क्या इससे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारी शेल्फ होती है, उस पर ऑयल गिर जाता है या फिर सोया सॉस, चाय वगैरह गिर जाता है, उसको भी ये बड़ी ईजीली क्लीन कर सकता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको रखा और बस यहाँ पे इसको इस तरीके से साफ़ कर दिया, तो बिल्कुल इजीली इसने हमारा जो ऑयल है वो भी साफ़ कर दिया है। और अब पानी लेंगे और इसको बस हल्का सा रब करेंगे तो सारा ऑयल जो है ये पानी के अंदर छोड़ देगा, बिल्कुल भी अपने अंदर ये नहीं रखेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पानी है ऑयली हो चुका है और ये जो टॉवल है हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैं स्क्वीज करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल के निशान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल के निशान हमें नहीं मिले हैं। ये जो हल्का फुल्का आपको डार्क दिख रहा है, ये हल्का सा पानी है और ऑयल के निशान इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं। बट हाँ, इसके जैसे मैंने आपको डिसएडवांटेज की बात करी थी, तो यहाँ पे अब मैं एक सॉस गेट देती हूँ। तो ये थोड़ी सी गाढ़ी सॉस है, तो ये भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ईजीली, ये देखिए। और इसको क्लीन करना भी बहुत इजी है। बट जैसा कि मैंने इसके डिसएडवांटेज की बात की, तो क्या होता है कई बार जब हम, जैसे कुछ हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि हल्दी वगैरह होता है या डार्क सॉसेज होती है, वो इससे अगर हम साफ करते हैं तो उसके जो निशान हैं वो इस पर छूट जाते हैं, वो ये इजीली रब नहीं कर पाता है निशान। बट स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन निशान जो है वो इस पर आ जाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि जब आप इसको स्क्वीज कर देते हैं, अगर आप इसको रख देंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल सूख जाता है और
बच्चों से आपको ये इसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक टावल होता है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है कि हम क्यों ना इससे कुछ ना कुछ करके देखें। बट जैसे अगर आपने इसको यूज़ किया और उसके बाद रख दिया तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और उसके बाद जब आप इसको पानी में दोबारा से डालेंगे तब ये सॉफ्ट हो पाता है। तो इसीलिए जब भी ये पैकेट में आता है तो इसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल होता है। और इसके प्राइस की बात करें तो 299 रुपीज़ का ये है, इसके अंदर 3 टॉवल मिलते हैं। एडवांटेज तो काफ़ी सारे हैं, बस इसमें यही है कि एक तो स्टेन रह जाते हैं और दूसरा आपको इसको बच्चों से संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने इसको बाहर रख दिया तो वो ड्राई हो जाएगा और वो इजीली फिर क्रैक हो जाता है। तो बस यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।